नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 11:30 बजे का समय शुरू हो चुका है, तो क्लास की शुरुआत करते हैं। देश दुनिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सभी सुर्खियों को मैं विस्तार से आगे बताऊँगा। तो सबसे पहले सुर्खियों की ओर बढ़ते हैं। तो बता दूँ, सरकार ने सभी लोगों से अपील की है कि घरों में ही रहें, मास्क पहनना कर ही जो है बाहर निकले और घरों में भी मास्क पहने। महामारी विशेषज्ञ का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर तो आनी ही थी, हम ही जो है तैयारियों के पीछे में पीछे रह गए। अगर आसक्ति के साथ इसे रोकेंगे तब महीने भर में असर दिखेगा, अन्यथा जो है काफ़ी स्थिति बिगड़ सकती है। और दुनिया में मदद जो के आगे आ गए आगे आई, सभी ने भारत को मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया। फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन सहित कई देशों ने बढ़की। लेकिन चीन की बात की जाए तो चीन ने मेडिकल सप्लाई वाली सभी कार्गो उड़ाने को जो है 15 दिन के लिए रोक लगा दी है। और मैं बता दूं कि बंगाल का चुनाव संपन्न हो गया है। फिल्म संपादक वामन भोसले का जो है निधन हो गया। मारुति के पूर्व CMD का भी निधन हुआ। तो कौन थे मारुति के पूर्व CMD, कैसे उनकी सुर्खियों में है, सभी तरह की जानकारी हमें आपको देने वाला हो और बहुत सारी जानकारियाँ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए सभी जानकार खबरों को खंडन करते हैं। फ्रांस के कोरोना के बीच जो है फ्रांस में स्कूल खुल गए हैं, नर्सरी से लेकर के प्राइमरी स्कूल सभी खोल दिए गए हैं। और पेंटागन ने संदिग्ध कंपनी को जो है लगभग 17.5 करोड़ इंटरनेट एड्रेस दिए हैं, इससे क्या नुकसान होगा, सभी तरह का मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं। तो चलिए जानते हैं आज की क्लास में क्या है खास। तो रोज की तरह आज का इतिहास और उनसे जुड़े 5 सवाल देखने को मिलेंगे। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि एज ए करंट अफेयर्स स्पेशल टॉपिक जो है एवरी डे डिस्कशन की जाती है। उसका थॉट्स ऑफ द डे जो कि हमारे क्लास का गुरु है और विज्ञान से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल जो है रोज की तरह आज भी आपको देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, तो जरूर देखिए अंत तक वीडियो को और लोगों को शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का इतिहास से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो आज ही के दिन वर्ष 1960 में नेशनल डिफेंस कॉलेज की स्थापना ने दिल्ली में की गई थी। 1959 में उच्चतर दिशा और युद्ध की रणनीति के व्यापक पहलुओं पर वरिष्ठ सेवा और सिविल सेवा अधिकारियों को निर्देश प्रदान करने के लिए इस कॉलेज की मंजूरी दी गई। आज ही के दिन वर्ष 2005 में विश्व के सबसे बड़े यात्री विमान एयरबस A380 ने उड़ान भरी। 840 यात्रियों की क्षमता वाली यह विमान दक्षिणी फ्रांस के टोलूज से उड़ा और लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर उतारा गया। 560 टन के इस विमान में 6 चालक थे। आज ही के दिन वर्ष 1920 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मनीभाई देसाई का जन्म गुजरात के सूरत में हुआ था। पढ़ाई के साथ खेलकूद में अव्वल थे। 1942 में जो है बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की। इसी दौरान गांधी जी के साथ आंदोलन में कूद पड़े। ये था आज का इतिहास से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो चलिए आगे जानते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियाँ इस कोरोना काल में आपको मैं देने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिए। और बता दूँ कि मिजोरम में लगातार आग फैल रहे हैं, 8 जिलों में जो है इसके चपेट में है। तो इसके बारे में भी एक विस्तार से मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए, लोगों को शेयर करें। चलिए मैं बता दूं कि मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय चुनाव आयोग की कड़ी फटकार लगाते हुए उसे देश में कोरोना की दूसरी लहर के लिए अकेला जिम्मेदार बताया है। कहा है कि चुनाव आयोग सबसे गैर जिम्मेदार संस्था है। आयोग के अफसरों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। आयोग ने राजनीतिक दलों को रैलियाँ सभाएँ करने की अनुमति दी जिससे संक्रमण बढ़ा। चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी और जस्टिस सेंथिल कुमार रामामूर्ति के बेंच ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो 2 मई को मतगणना रुकवाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। तो बहुत बड़ा एक जो है बात की गई है। इसी पर जो है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज BS चौहान ने कहा कि चुनाव आयोग की घोषणा हो जाने के बाद आयोग पर काम पर कोर्ट का दखल उचित नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज NN ढिंगरा ने कहा कि कुछ अधिकारियों की लापरवाही में पूरा आयोग जिम्मेदार नहीं है। 1 महीने पहले भेजा था नोटिस, 1 महीने पहले आयोग को नोटिस भेज मांग की गई थी कोविड नियम को तोड़ने वालों पर प्रतिबंध लगाए, जो कि बातें नहीं मानी गई। ये सब इम्पोर्टेंट बातें जो निकल कर आई है,
कहा गया है कि जब नेता रैलियां कर रहे थे तब क्या अफसर एक दूसरे पर ग्रह पर थे, जरूरत पड़ी तो मतगणना रोक देंगे, ये बातें की गई है। तो चलिए आगे देखते हैं आज का मोटिवेशनल लाइन। अगर सीखना है तो दिए से जलना नहीं मुस्कुराना सीखो, अगर सीखना है सुर से तो डूबना नहीं उगना उठना सीखो, अगर पहुंचना हो शिखर पर तो राह पर चलना नहीं राह पर निर्वाण सीखो। क्या बात है, बहुत अच्छी लाइन थी आज की, काफ़ी लंबी भी है, कि हमें अपने जीवन में बदलाव करनी चाहिए, प्रत्येक दिन नई नई सी आदतें सीखनी चाहिए, आदतों में बदलाव करना चाहिए, तभी हम अपनी तरक्की करने या को जो है पार कर सकते हैं, अन्यथा एक वो बीच में ही जाके फंस सकती है, एक किनारे पर जाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि धारा कहीं अधिक कहीं कम होती है। तो है कि अपने आदतों को बदलाव करें, सीखना कभी ना छोड़े, और हर पॉइंट से सीखे, हर दिन सीखे, हर न्यूज़ से जानकारियां ले, हर किताब से सीखे, जहां पे आपको सीखने का मौका मिलता है उससे कुछ नई जरूर सीखे। ये था आज का मोटिवेशनल लाइन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का क्लास में क्या है, टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। तो फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए ताकि नोट्स तैयार की जा सके। 11:30 का समय हो चुका है, तो मैं बता दूं कि कल का जो भी स्टूडेंट क्लास नहीं किया है उसका लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ जाके क्लास कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स की शुरुआत। तो आज का पहला न्यूज़ क्या है खास, तो चलते सबसे पहले, तो मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ का बड़ा फैसला, व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन सदस्य पोस्ट के लिए जिम्मेदार नहीं। बिल्कुल ही आप बहुत समय से देख रहे होंगे कि बहुत सारे एडमिन को जो है बार बार उनको जो है कठिन समस्याओं से गुजरना पड़ता है, ग्रुप के काफ़ी सदस्य जो हैं कुछ अनगलत न्यूज या कुछ अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते हैं, जिससे जो है उनको काफ़ी समस्याएं होती है ग्रुप एडमिन को। इसी पे जो है मुंबई हाई कोर्ट के एक नागपुर पीठ ने जो है ये फैसला किया है। इसके साथ ही अदालत ने 33 वर्षीय एक युवक के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले से जुड़े मामले पर जो है खारिज कर दिया। इस संबंध में हाईकोर्ट के जस्टिस ZA हक और रवि बारकर की बेंच ने व्हाट्सएप ग्रुप की जो है जुड़े मामले में पिछले महीने यह आदेश दिया था। कोर्ट के इस आदेश के प्रति जो है अब सार्वजनिक की गई है। नेक्स्ट आता है राफेल नडाल ने 12वीं बार बार्सिलोना ओपन टेनिस खिताब जीत लिया है, या उनकी 12वीं खिताब है ये बार्सिलोना की। उन्होंने जो है स्टेफानोस सिपास को जो है 6-4, 6-7 और 7-5 से हरा कर खिताब जीत लिया है। नडाल की इस टूर्नामेंट में जो है 12वीं खिताब है। पिछले साल कोरोना महामारी कारण जो है अधिकांश टूर्नामेंट नहीं खेले, इस पात्र में भी उनका शुरुआत खराब रही थी। नडाल ने कहा था कि यह चुनौती स्वीकार करने की बात है, 38 मिनट के जो है मुकाबले में उन्होंने जीत लिया। नेक्स्ट चलते हैं, मिजोरम के जंगलों में जो है 2 दिनों से लगी है भीषण आग, 8 जिले सहित कई शहर जो है इसकी चपेट में है। तो क्या है इसमें, तो आग के साए में जो है पूरी आबादी बढ़ने की ओर है। इसी को देखते हुए वहाँ के मुख्यमंत्री जोर मथंगा ने जो है मोदी जी से हर संभव मदद का प्रयास किया है। तो मोदी जी ने भी जो है शुरुआत कर दी है और लगातार आग बुझाने का काम जारी है, और 40 घंटे से जो है ये पूरे तरह से फैल चुका था। नेक्स्ट चलते हैं, भारत ने तीरंदाजी विश्व कप में 3 गोल्ड सहित 4 पदक जीते, उसमें से झारखंड की 2 खिलाड़ी हैं, 1 खिलाड़ी हैं सॉरी, जिन्होंने जो है ये पदक जीता है। तो भारतीय तीरंदाज के स्टार कपल दीपिका कुमारी और अंतानु दास ने वर्ल्ड में जो है इंडिविजुअल गोल्ड जीते हैं। भारत ने वर्ल्ड कप स्टेज वन में जो है अपना अभियान 3 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज के साथ खत्म किया। तो नेक्स्ट चलते हैं, मारुति सुजुकी इंडिया के पूर्व प्रबंध निदेशक जगदीश खट्टर का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। तो काफ़ी जो है अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने जो है मारुति इंडिया को बढ़ाने के लिए बहुत ही अहम योगदान निभाया है, और 1993 से जो है मार्केटिंग डायरेक्टर के रूप में कंपनी ज्वाइन की थी। 1999 में वह सरकार के नॉमिनी के रूप में पहले MD बने। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म संपादक वामन भोसले का 87 वर्ष में निधन हो गया।
उम्र की दिक्कत के कारण जो है सुबह सोमवार को उनका निधन हुआ। उन्होंने मेरा गांव मेरा देश, दो रास्ते, इंकार, दोस्ताना, अग्निपथ, परिचय, कालीचरण जैसी 200 से अधिक ज़्यादा फिल्मों का संपादन किया है। और जो है काफ़ी दिक्कतों से सामना कर रहे थे, 87 वर्ष के थे, जो है उनका निधन हो गया। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की ओर आगे बढ़ते हैं। इस तरह का न्यूज जो है आपको लगातार देखने को मिलेगी मेरी जो वीडियो में, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की ओर आगे बढ़ते हैं, फटाफट जानते हैं, बहुत सारे न्यूज़ों के साथ डिस्कस करनी है। उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली सरकार ने जो 18 से 45 साल के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन देने की घोषणा कर दी है, ये दूसरा राज्य बन चुका है। इससे पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जो है घोषणा की थी। तो चलिए सबसे बड़ा न्यूज आज का जो है वो है, काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज है, जो कि अमेरिका से जुड़ा हुआ है। तो अमेरिका का अच्छा मुख्यालय पेंटागन ने जो है संदिग्ध कंपनी को 17.5 करोड़ इंटरनेट एड्रेस दे दिए हैं। तो ये जो खेल हुआ है ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विदाई के ठीक पहले ये खेल हुआ है। इसमें कहा गया कि 30,000 करोड़ का जो है ये डेटा उसके पते पर दिया गया है, जिस पे कोई है ही नहीं। वर्तमान में कैलिफोर्निया की कंपनी ग्लोबल रिसोर्स सिस्टम्स ने ना फ़ोन का जवाब दिया, ना मेल का, वेब पेज पर भी नहीं है। पेंटागन ने कहा यह कमियों का आकलन का पायलट प्रोजेक्ट पर कंपनी यही क्यों नहीं चुनी बता सके। पेंटागन ने ट्रांसफ़र किया स्पेस उसके इस्तेमाल से 2 गुना। अक्टूबर 2020 में वजूद में आई कंपनी को इतना स्पेस कैसे मिला, ये सभी चिंता का विषय है। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। तो यानी दुनिया के कुल इंटरनेट एड्रेस का 4% करीब 30,000 करोड़ रुपये का इसका कीमत है, ये जो है दे दिए हैं। नेक्स्ट बता दूँ, सिप्री, सिप्री सभी को पता है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार महामारी के दौरान भी हथियारों पर जो है पैसा लुटाने के पीछे नहीं है दुनिया। लगभग बताया गया है कि साल भर में 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किया गया है। लगभग वैश्विक सैन्य खर्च की बात की जाए तो 2.6% जो बढ़ा है एक साल में। अमेरिका 57 लाख करोड़, उसी तरह से चीन लगभग 19 लाख करोड़, भारत लगभग 5.5 लाख करोड़, रूस लगभग 4.5 लाख, ब्रिटेन करीब करीब 4.5 लाख करोड़ रुपया खर्च किया है। 93 ऑस्कर अवार्ड्स में नॉमैडलैंड को बेस्ट फिल्म अवार्ड पुरस्कार दिया गया है। तो सभी लोगों को इसके बारे में पता ही होगा ही, ये खबरों में रही है। तो क्या है न्यूज इसके बारे में मैं विस्तार से आपको बताने वाला हूँ। तो मैं बता दूं कि बेस्ट पिक्चर नॉमैडलैंड, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री माय ऑक्टोपस टीचर, बेस्ट एनिमेटेड फिल्म सोल, बेस्ट डायरेक्टर क्लो झाओ नॉमैडलैंड, बेस्ट एक्टर एंथोनी हॉपकिंस फिल्म द फादर, बेस्ट एक्ट्रेस फ्रांसिस मैकडोमर्ड फिल्म नॉमैडलैंड। यानी कुल मिलाकर माय ऑक्टोपस टीचर को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर का पुरस्कार स्वाति थियारंजन है एसोसिएटेड प्रोड्यूसर, जो कि चित्रों में आप देख रहे हैं। तो चलिए विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब को जानते हैं। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व या अधातु हाइड्रोजन है। आवर्त सारणी में सबसे हल्का धातु यानी मेटल लिथियम है। आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु यानी हेवीएस्ट मेटल ऑस्मियम है। डोबेरनेर, न्यूलैंड्स और मेंडलीव का वर्गीकरण परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकरण जो है परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर था। तो ये था कुछ वीडियो इम्पोर्टेंट जानकारियाँ। आई होप साइंस से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं आपको शेयर कर दिया हूँ मैं। तो चलिए फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए क्लास को, ताकि और सब जो भी स्टूडेंट जो मेरे क्लास में नए हैं आज, वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऑल काइंड ऑफ नोटिफिकेशन आपको मिल सके, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। सो थैंक यू। चलिए आगे जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ जो कि रोज की तरह प्रत्येक दिन आज भी आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या है आज का इम्पोर्टेंट जानकारियाँ वो मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ही पल में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दक्षिण दे रहा है महामारी को उत्तर
करारा उत्तर। देश दुनिया की तमाम महामारी विशेष भारत के दूसरी लहर की ओर किसी सुनामी सरीखा बता रहे हैं। उत्तर भारत के राज्यों में इस महामारी का प्रकोप बहुत गहरा है। बड़ी संख्या में संक्रमितों के सामने आने से सरकारों की तैयारियों की पोल खुल गई है। लोग मदद के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल का चक्कर लगाने पर विवश हैं। अस्पताल, बिस्तर, ऑक्सीजन, दवा, एम्बुलेंस की किल्लत बनी हुई है। दिक्कतों के चलते यहाँ यहाँ जहाँ जहाँ आपदा भी मची हुई है, वहीं दक्षिण भारत के केरल और तमिलनाडु इस महामारी के प्रकोप से व्यवस्थित ढंग से जवाब दे रहे हैं। तो तमिलनाडु की बात की जाए तो अगर हम होम आइसोलेशन मरीज में रहता है तो उससे भी निगरानी करते हैं। अस्पताल में भर्ती कराना पड़े तो कोविड केयर सेंटर से भी प्राथमिक जांच की जाती है। संक्रमित व्यक्ति स्क्रीनिंग सेंटर जाता है जहां डॉक्टर मरीज की स्थिति का आकलन करके यह निर्णय लेते हैं कि उसे होम आइसोलेशन में भेजा जाए या कोविड सेंटर में। केरल की बात की जाए तो संक्रमित व्यक्ति जिस जिला स्वास्थ्य अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीन आता है उसे सूचित किया जाता है। पब्लिक हेल्थ नर्स या आशा वर्कर मरीज के घर जाकर स्थिति का जायजा लेती है और मरीज को होम आइसोलेशन में रखा जा सकता है या फिर केयर सेंटर में भेजा जाए। मरीज को बताया जाता है कि लक्षणों की वह कैसे निगरानी करे। सभी संस्था वर्ल्ड हेल्थ समिति के सूचित किया जाता है कि यह समूह पीड़ित परिवार को तमाम जरूरी सेवाएं दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराता है। यदि परिवार ऑक्सीमीटर नहीं वहन कर सकता है तो उसे भी मुहैया कराया जाता है। यदि गंभीर लक्षण दिखते हो तो मरीज को तृतीय केयर सेंटर यानी मेडिकल कॉलेज या निजी अस्पताल भी भेजा जाता है। इलाज का खर्च सरकार उठाती है। यदि फेफड़ा ज्यादा संक्रमित होता है तो गंभीर लक्षण नजर आते हैं और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो सरकारी निजी कोविड अस्पताल में भर्ती किया जाता है। इलाज की प्रक्रिया के दौरान मरीज के एक स्थान दूसरे स्थान ले जाने के लिए स्वास्थ्य प्रणाली में समन्वय रखते हुए एम्बुलेंस मौजूद रहती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ थी जो कि तमिलनाडु जैसे उत्तर सॉरी दक्षिण राज्यों की थी। आई होप आज के क्लास से आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। सब रखे जाते जाते एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि ऑल काइंड से नोटिफिकेशन मिल सके। तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार फिर से सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।